बाद शनिवार को प्रदेश में 8 चीतों की दस्तक के साथ एक और मुराद पूरी हो गई। अफ्रीकी देश नामीबिया से आए इन चीतों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवपुर के कूनो नेशनल पार्क के बाड़ों में आजाद किया। मोदी पहले एक नर और दो मादा चीतों को बाड़े में छोड़ा, इसके बाद बाकी चीतों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री पिंजरे से आजाद किए। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राज कपूर ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि विंध्य के साथ साथ पूरे देश में विभिन्न प्रजाति के जंगली जानवर हैं, लेकिन चीतों के ना होने से अभी भी इनकी कमी खल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कूनो के बाड़े में छोड़े गए चीतों से यह कमी दूर हो गई। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं नेताओं ने क्या कहा है। माताएं बहने बंधु, आज का दिन बड़ा विशिष्ट दिन है और विशिष्ट आयोजन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन में वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पधारे हैं और वहाँ पर जैसे रीवा में मुकुलपुर में टाइगर सफारी का हम लोगों ने बना के लोकार्पण किया था, वैसे ही पालनपुर, पूर्व पालनपुर में इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा जंगल जिसके अंदर बसने वाले गांवों को विस्थापित करके और वहां पर चीता को विस्थापित करके पुनर्स्थापित करके पूरे देश में चीता समाप्त हो गए थे। टाइगर तो हैं, बब्बर शेर है, तेंदुआ और तमाम तरह के जानवर हैं, लेकिन देश में चीते नहीं थे। तो साउथ अफ्रीका से हवाई जहाज में उनको लेके और आज उस जंगल में छोड़ने का काम करने के लिए स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश पधारे हुए हैं, श्योपुर में पधारे हुए हैं। और ऐसे अवसर पर जनता के सेवा के लिए सेवा ही संकल्प का नारा देने वाले प्रधानमंत्री एक मध्य प्रदेश में हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त में इलाज 5 लाख रुपए तक का गरीबों का हो, संबल योजना से लेके और तमाम तरह की पेंशन योजनाएं जिसमें 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन उन लोगों को देने का काम होता है, 13 योजनाएं हैं। ऐसा काम करने वाले भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वहीं पर स्वसहायता समूहों का और इस प्रकार के आयोजनों का आयोजन भी रखा हुआ है।